दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो है टॉप फाइव जो है क्लास डी एम्पलीफायर लाया हूं बेस्ट क्वालिटी का। और आज मैं आप लोग के इसमें जो है एक ये वाला क्लास डी बोर्ड है आप लोग को एक एक करके दिखाते हैं दोस्तों, और इसके बारे में बताएंगे और इसके प्राइस के बारे में बताएंगे, सब कुछ जो है क्लियर करेंगे दोस्तों कि जो आप लोग खरीद कर अपने घर पर बना सकते हैं। देखिए दोस्तों ये क्लास डी बोर्ड है और इसमें देखिए दोस्तों ये यहाँ पे स्पीकर है और ये 12 वोल्ट है और ये स्पीकर है। और दोस्तों इंडक्टर कॉयल आप लोग देख सकते हैं कितनी हैवी लगी है। और दोस्तों इस तरफ आप देखते हैं ये देखिए दोस्तों इसका स्पीकर है और ये हमारा एक चैनल है, एक स्पीकर है, एक ये स्पीकर है और ये 12 वोल्ट है जो इस पे पावर लिखा हुआ है। और दोस्तों ये देखिए केपी 208 का एक चैनल है, 108 का एक चैनल है और टीपीए 3116 में ये बोर्ड बना हुआ है और इसका हेयरसिंग भी बहुत हैवी है। और दोस्तों इसमें जो है इन आउट इनपुट का कनेक्शन यहाँ पे होगा और इसमें देखिए दोस्तों म्यूट का कनेक्शन यहाँ पे दिया है बट ये इसका तो अभी हमें काम नहीं लगा है। और इसका स्पीकर का लगा है 12 वोल्ट और जो है, और दोस्तों इसमें 5 एम्पियर या 10 एम्पियर का सप्लाई पावर सप्लाई आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो है रेट के बारे में बात कर लेते हैं, ये 720 रुपये का है, आप लोग याद रखिएगा। और अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरे वाले बोर्ड को मैं खोलता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये भी क्लास डी बोर्ड है आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए। और इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों एक जो है 50 वाट का है और एक 50 वाट का है ये, और ये इंडक्टर कॉयल आप लोग देख सकते हैं, 4 इंडक्टर कॉयल लगा हुआ है और एक इंडक्टर कॉयल हैवी लगा है। और दोस्तों इसके सप्लाई के बारे में, और ये देखिए दोस्तों स्पीकर के बारे में मैंने बता दिया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो है 12 वोल्ट डबल 12 वोल्ट दिया गया है, ये आप लोग एस एम्पियर की सप्लाई लगा सकते हैं, जो 5 एम्पियर 10 एम्पियर की सप्लाई होती है वो लगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा 5 वोल्ट है और ये हमारा ग्राउंड है और ये जो है आरएल इनपुट का कनेक्शन यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे इसमें ग्राउंड यहाँ पर दे रखा है आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों इसके रेट के बारे में बात कर लेते हैं, इसका दोस्तों जो है 820 रुपये का इसका है। और इसका जो है मॉडल नंबर देखिए दोस्तों इसमें ये लिखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये देखिए CV, बस यहाँ पे CV लिखा हुआ है और ये जो है TPI 3116 में बना हुआ है और इसको 12 वोल्ट से लेके आप इसमें जो है 15 वोल्ट तक आसानी से दे सकते हैं और 5 एम्पियर से जो है 8 एम्पियर तक आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये देखिए दोस्तों ये वाला आप लोग देख सकते हैं, ये दोस्तों बहुत हैवी बोर्ड है और इसमें मॉडल नंबर कहीं हमें नहीं दिख रहा है और मॉडल नंबर कहीं नहीं दिख रहा है, बट आप लोग बताइए कि इसका क्या मॉडल नंबर है मुझे तो। और दोस्तों ये देखिए दोस्तों स्टैंड इंडक्टर कॉयल जो है 100 के ये लगा हुआ है और काफ़ी हैवी है। और दोस्तों ये सप्लाई के लिए लगा है, ये स्पीकर के लिए लगा है और दोस्तों एक स्पीकर इसमें 100 वाट का है और एक स्पीकर 100 वाट का है। और दोस्तों ये जो है 12 वोल्ट से ऑपरेट है, 12 से 15 वोल्ट आप लोग आसानी से दे सकते हैं, 15 वोल्ट भी दे सकते हैं और 24 वोल्ट भी दे सकते हैं और बहुत अच्छे से चलेगा और इसमें कम से कम नहीं 10 एम्पियर तक की आपको सप्लाई लगानी पड़ेगी दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है 12 वोल्ट और ग्राउंड 5 वोल्ट भी दे रखा है, ये दो सप्लाई दे रखा है यहाँ पे कि ये जो हम USB मॉड्यूल पर लगाते हैं, ये जो USB मॉड्यूल है इस पर लगाते हैं। और दोस्तों इसका रेट है 1150 रुपये, क्योंकि बहुत ही हैवी बोर्ड है ये और ये एक चैनल 100 वाट का, एक चैनल 100 वाट का है। तो दोस्तों अब इसको हम ओपन करते हैं, ये देखिए दोस्तों इसमें, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे
PAG और 5252 और TPA 3116 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और TPA 3116 IC में बना हुआ है। और ये भी दोस्तों जो है एक चैनल 100 वाट का है और एक चैनल 100 वाट का है। और इंडक्टर कॉयल आप लोग देख सकते हैं चार लगा है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। और कैपेसिटर आप लोग देख सकते हैं, इंपोर्टेड कैपेसिटर है इसमें। और दोस्तों ये कितने वोल्ट से ऑपरेट है ये भी हम आप लोग को बताते हैं। ये भी 12 वोल्ट से ऑपरेट है, और ये भी आप जो है 12 वोल्ट 15 वोल्ट आसानी से लगा सकते हैं, और 5 से 10 एम्पियर तक का, 8 एम्पियर तक का। अब आउटपुट दोस्तों इतना मस्त निकलता है, एकदम बहुत गजब का आउटपुट निकलता है। और इसके रेट के बारे में बात करते हैं, 950 रुपये इसका है रेट दोस्तों। और इसको हम ओपन करते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो है, ये देखिए दोस्तों गोल्ड A543 इसका मॉडल नंबर है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों ये बैलेंस टाइप दिया है, जैसे कि आप लोग जब इसमें आर एल लेफ्ट राइट का कनेक्शन यहाँ पे लगाएंगे, और उसके बाद जब आप प्रीसेट घुमाएंगे, इसको प्रीसेट को घुमाएंगे तो आवाज़ एक तरफ हो जाती है, या जैसे आवाज़ जिस तरीके से आप सेट करना चाहते हैं उस तरीके से आवाज़ आप सेट कर सकते हैं। ये प्रॉपर आवाज़ सेट करने के लिए दिया है। और दोस्तों इसमें इंडक्टर कॉयल आप देख सकते हैं चार लगी हुई है। और इसको कितने वोल्ट से ऑपरेट, इसमें दोस्तों 8 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक आप ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। और इसका स्पीकर आप देख सकते हैं, एक ये है और एक ये है। और इसको जो है दोस्तों एक चैनल 50 वाट का, एक चैनल 50 वाट का है, और TPA 3116 में IC में बना हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसका रेट के बारे में हम बात कर लेते हैं, इसका रेट जो है 650 रुपया। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक एक जो है कनेक्शन करके और जो है हम बताएंगे। वैसे हम कनेक्शन तो इसमें ज़्यादा नहीं है, मैंने बता दिया है, बट फिर भी अगर आप लोग को कुछ डाउट हो तो आप लोग कभी भी जो है फ़ोन भी कर सकते हैं, और जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।